सिरी में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर यह हंगामा किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर यह हंगामा हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया है और दिल्ली की ये लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अधिकारी के फैसले पर यह हंगामा हुआ है। तो मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर यह हंगामा किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। वहीं आपको बता दें कि पार्षदों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है और दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां पर मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर यह हंगामा किया गया है। अधिकारी के फैसले पर ये जोरदार हंगामा आम आदमी पार्टी ने किया है। तो मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में बवाल जारी है। तो हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया है, तस्वीरें भी देखी जा रही है दिल्ली की। निश्चित तौर पर जागृति, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि काफी भीड़ है और जो एमसीडी का सदन है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। हालांकि आज चुनाव तो मेयर पद का होना था, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बवाल कटा हुआ है तस्वीरों में हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर से नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल विवाद की स्थिति तब पैदा हुई जब मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने के लिए कहा गया और जब जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी उसी दौरान जो आपके सदस्य हैं यानी आपके जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई और अपना विरोध जाहिर किया गया और विरोध इस कदर बढ़ा कि जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला। और जिस तरह से अब जो सदस्य हैं वो कागजों पर अपनी अपनी बातें लिखकर दिखा रहे हैं कैमरे की ओर, लगातार नारेबाजी भी हो रही है। दरअसल ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि इस तरह का कहीं ना कहीं मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। चूंकि कम संख्या में होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया था और उसी दिन ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं जब भी आगे की कार्रवाई शुरू होगी हंगामा सदन में निश्चित तौर पर दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी से अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता मेयर उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबेरॉय, इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। संख्या बल के आधार पर बीजेपी काफी पीछे है, लेकिन उसके बावजूद भी जब बीजेपी की ओर से मेयर पद को लेकर प्रत्याशी का ऐलान किया गया तभी ये तय माना गया था कि कहीं ना कहीं हंगामा होगा और कुछ वैसा ही आज नजर आ रहा है। दरअसल जागृति, इस प्रदर्शन के पीछे, इस तरह की नारेबाजी और हंगामे के पीछे जो बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं संख्या बल है। गेम चेंज सारा का सारा संख्या बल के आधार पर ही हुआ है। चूंकि बीजेपी की संख्या कम है सदस्यों की, लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐलान किया गया था तो लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं उनको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो कानून है दल बदल का लागू नहीं होता और यही खतरा और चिंता आम आदमी पार्टी को पहले से थी। और अब जब कार्रवाई आज शुरू हुई तो हंगामा जबरदस्त तरीके से हुआ और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि करीबन एक घंटे के लिए जो एमसीडी का सदन है उसकी कार्यवाही रुक चुकी है, क्योंकि लगातार जो हंगामा है वो बरपा हुआ है। तमाम सदस्य जो हैं इन तस्वीरों में जिस तरह से लोग देख पा रहे हैं वो हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल रितेश, और हालांकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर में जो है चुनाव पर क्या फैसला आता है और कौन इस बार जो है मेयर की कुर्सी पर विराजमान होता है। बिल्कुल जागृति, ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदन में संख्या बल जिसकी भी ज्यादा होती है अक्सर देखने के लिए मिलता है कि सदन का नेता वही बनता है। लेकिन अब चूंकि लगातार कांग्रेस का जिक्र करें या आम आदमी पार्टी का जिक्र करें, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और जहां पर संख्या कम होती है वहां पर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाता है और यही खतरा आम आदमी पार्टी को भी सता रहा था। और पहले से ये तय माना जा रहा था कि आखिरकार इस तरह की तस्वीर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल सकती है। चूंकि बीजेपी संख्या बल में कम है लेकिन उसकी संख्या इतनी तो तय है, इतनी दिखाई देती है, जो हंगामा जबरदस्त तरीके से हो सके, अपनी आवाज जबरदस्त तरीके से बीजेपी उठा सके। अब संख्या बल की आपने बात करी तो जागृति, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि
बीजेपी से आम आदमी पार्टी कहीं ज्यादा आगे है सदन के अंदर। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 14 में से जो 13 नामित विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, जो मेयर पद के लिए चुनाव में वोट करेंगे। दूसरी तरफ 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार है, जिसमें 7 बीजेपी के हैं और 3 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। तो कुल मिलाकर 274 चुने हुए नुमाइंदे जिनके पास वोटिंग का अधिकार है वो अपना मताधिकार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, और जो गेम पूरी तरह चेंज होता है वो ये है कि 274 चुने हुए नुमाइंदों के भीतर 150 की संख्या करीबन आम आदमी पार्टी की पहुंचती है और भारतीय जनता पार्टी के पास ये संख्या करीबन 113 है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी काफी पीछे है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेयर पद को लेकर पार्टी ने जैसे ही ऐलान किया था नाम का, ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी कड़ी फाइट दे सकती है। और उससे पहले आज जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई और मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के सदस्यों की ओर से यह हंगामा शुरू कर दिया गया। अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं पार्षदों में। दरअसल धक्का मुक्की भी इस दौरान देखने के लिए मिली है। जो पर्चे हैं वो पार्षदों ने एक दूसरे से छीन लिए। शोर शराबा काफी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। मेयर चुनाव से पहले सिविक सेंटर की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। आप और बीजेपी के पार्षद जो इस बीच तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जी, वो आपस में पूरी तरह से उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है। जमकर धक्का मुक्की हुई है, पार्षदों ने नारेबाजी की है, पोडियम भी गिरा दिया गया और सिविक सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप और बीजेपी के पार्षदों में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाने का भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। किस तरह से जो पूरा हंगामा इस वक्त बना हुआ है सिविक सेंटर में, अब हंगामा बहुत ज्यादा भारी है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से लगातार जो नारेबाजी है वो की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर से बीजेपी के जो पार्षद हैं, सदस्य हैं, वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध जो है जाहिर किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बीच जो मौजूदा परिस्थितियां हैं या जागृति सदन की एमसीडी के, वो है ये है कि खचाखच सदन पूरी तरह से भरा हुआ है। पोडियम के आसपास तमाम सदस्य खड़े हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। जी बिल्कुल रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं दिल्ली की चौराहे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जहां विरोध जारी है। तो एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर यह हंगामा जारी है। अधिकारी के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने यह हंगामा किया। जिस तरह से हमारे सहयोगी रितेश ने भी बताया कि एक घंटे के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद